फिर रिकॉर्डिंग अजी कहाँ तक किए थे सेंटीमीटर एम शेप अपन कॉम्पास कितनी बना दिया था ले पाया था देखो जी जैसे मान लो वैसे व्हिस्पर थ्योरी जो है ये भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि मान लो एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनते हैं आजकल कुछ बन के आ जाए क्योंकि व्हिस्पर थ्योरी के क्वेश्चन आंसर तुम्हारे ट्वेल्थ में भी है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ लेकिन इलेवेंथ में सब पढ़ा हुआ है जल्दी समझ में आ जाएगा ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ाया था पिछले क्लास में जो एस पी थ्री जो होता है इसकी ज्योमेट्री बता दिया और मीथेन का जो है CH4 सर इसका मैं बॉन्ड एंगल से थोड़ा समझा दिया था बता दिया था जो ऐसे ऐसे मतलब ज्योमेट्री जो है और मतलब इसका जो है ना ज्योमेट्री और शेप इक्वल है ज्योमेट्री इक्वल टू शेप पढ़ाया था पिछले क्लास में। यदि लोन पेयर जीरो हो जब भी लोन पेयर नहीं होंगे जीरो होंगे पढ़ाया था लिखवाया था ना पढ़ाया नहीं लिखवाया था लिखवाया नहीं था पढ़ाया था मतलब जब भी आपका इफ लोन लिख रही साइड में सबसे साइड में इफ लोन पेयर इक्वल टू जीरो देन ज्योमेट्री इक्वल टू टेट्राहेड्रल सॉरी ज्योमेट्री इक्वल टू शेप यदि एलपी जीरो होंगे तो ज्योमेट्री इक्वल टू शेप होगा ये आपको मतलब यूज टू बनाना है बार बार पढ़ के और इफ क्या हो लोन पेयर इक्वल टू नोट इक्वल टू जीरो ठीक है देन ज्योमेट्री इक्वल टू नोट से इसको हमें यूज करना है इफ लोन पेयर इक्वल टू जीरो देन ज्योमेट्री इक्वल टू से लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू से अब इसको देखिए अब जैसे ज्योमेट्री और से जो होगा ज्योमेट्री या से जो मर्जी को दैट इज टेट्राहेड्रल ये पढ़ा दिया था इसका बॉन्ड एंगल कितना था 28 ठीक है और अमोनिया का 107 इसका सेम भी बता रहा हूँ मैं ज्योमेट्री तो फिक्स है बता दिया मुझे इसकी ठीक है ज्योमेट्री लोन पे आ गया तो ज्योमेट्री इक्वल टू सेम तो होगा नहीं ज्योमेट्री इक्वल टू सेम नहीं होगा सेम क्या होगा भी समझा रहा हूँ लिख रहा हूँ थोड़ी देर में और वाटर में दो लोन पेयर है जिसको पता है अच्छी बात है जी अलविंद पता होना चाहिए वैसे 104.5 ठीक है। हाँ जी पहले एक चीज बताओ एक चीज हमें पढ़ना जरूरी है थोड़ा जी बताना क्योंकि 11th क्लास में था जैसे मीथेन का जो है हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लिया 11th में क्वेश्चन था मीथेन का हम स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बनाते
मैक्सिमम डिस्टेंस रखना चाहिए बॉन्ड पे बॉन्ड पे कुछ सर 90 डिग्री पे रखेंगे तो बॉन्ड पे रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा। हां पता है सबको जी, ठीक है ना? क्या पता है बोलो? रिपल्शन होता है ना 90 डिग्री पे। हां ठीक है, पता है ठीक है, ठीक बता रहे हो। 90 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा, बस यही ये बताना चाहिए। तो अब तू बता जी, तुझे अब बता तुझे ये काम करो यार। तो जैसे ये जो हमने शेप बनाया ना, इसका चार मैक्सिमम डिस्टेंस पे जिससे रिपल्शन कम हो, ये हमारा था कौन सा थ्योरी था? ये वेस्पर थ्योरी, ये नहीं है। देखा जाए तो वेस्पर तो इसको नहीं कहते वैसे, ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, 11th में था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड की बात हो गई बस। जब बॉन्ड में हो तो रिपल्शन की वजह से हमने मतलब 3D में ज्यादा ले लिया बॉन्डिंग का। लेकिन अब जो ये सब लोन पेयर आने के बाद तब आया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो VSEPR थ्योरी जो मेन है ना, इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर आ गया है। अभी लिखोगे मैं इस पर थ्योरी क्या है, देखो मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मेन क्या है, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन, सबसे ज्यादा क्या होता है रिपल्शन जी? लोन पेयर, लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? कंसंट्रेटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, हां कोई तू बॉन्ड बनाते हो जी, तो बॉन्ड में क्या है? बॉन्ड है, दो एटम का न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, तो पैक किया हुआ है, इसको फ्री कहीं नहीं देगा घूमने। जैसे मान लो ये H का न्यूक्लियस, H का S ऑर्बिटल और N का P का S का जो भी है, दोनों उसको पैक कर दिया, ऐसे घूमेगा नहीं जाता। और लोन पेयर में क्या है, एक ही एटम ने बॉन्ड बनाया, फ्री किया हुआ है, तो ये कहीं भी घूम सकता है। ऐसे देखो कहीं भी है लोन पेयर, ये ऐसे मूवमेंट हो सकता है, मतलब ये लोन पेयर जो है फ्री है। तो बताया था जैसे जैसे मान लो एक फ्लोर पे मान लो चार ब्लैड वाले हैं, चार ब्लैड है मान लो, तीन चार वाला चार ब्लैड के मान लो, तो चार ब्लैड में क्या होगा, दो मान लो बिना काम का हो, काम यूज करता हो, उसी टाइप का ये है, दो बॉन्ड में है, दो कुछ काम नहीं करता, तो क्या होगा? ऐसा कभी हो एक मान लो एक फ्लोर पे दो ब्लैड वाले ऐसे जो काम नहीं करता, तो क्या करेंगे? आपस में ज्यादा लड़ाई करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मान के चल रहा है, दो मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है ये, ठीक है? तो एलपी एलपी रिपल्शन ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा? एलपी बीपी, एक लड़ने वाला और एक काम वाला, और दो क्या हुआ, काम करने वाला। तो इसमें क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ठीक है जी। तो बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन होता है, लेकिन कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि पैक्ड है। बाकी तुम वैसे भी जानते हो, देखा होगा जैसे तुम किसी से कुछ बात करोगे तो क्या कहेगा, संडे को आपसे बात करूंगा, इसका मतलब क्या होता है? जब फ्री हो जाएगा, फ्री हो गए तब लड़ाई नहीं कर सकता, अभी नहीं रहा। मतलब क्या है, वो भी मतलब टाइम दे के, मतलब कम लड़ाई करना चाहता है, उसको ऑफिस जाना है, जॉब करने का। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नहीं वो तो भाई कंपेयर करेंगे, जैसे NH3 हो गया PH3, आगे पढ़ेंगे। PCl5 होता है, NCl5 नहीं होता, बस PO अलग को स्टॉपिंग पहुंच गया, वेट कर पा गया। जैसे NH3 होगा और PH3 होगा तब एंगल में किसका कम ज्यादा होगा, वहां पढ़ेंगे भाई एंगल क्या होगा। भाई यहां तो सेम एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर है, एक और आ जाए तब पढ़ेंगे साइज का कुछ, अभी हम जनरल केस पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से जी, अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, मान लो लोन पेयर ऊपर से ऐसे लोन पेयर है, तो तीन जो बॉन्ड है ना, इसको इसे दबा दिया, ये क्या है, रिपल्शन दिया, ऐसे दबा दिया तीनों, थोड़ा ऐसे दबा दिया नीचे, तो हो गया बॉन्ड एंगल कम। था बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्शन हुआ, इस बॉन्ड को दबा दिया तो कम कर दिया, ज्यादा कम करोगे भाई इसमें भी रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसीलिए। और इसमें क्या किया जी, दो लोन पेयर है, देखो जी दो लोन पेयर है ऐसे, दोनों दूर ऐसे चाइना में रिपल्शन होगा, ये दोनों क्या करेगा, जैसे रिपल्शन देगा इस बॉन्ड को और दबा देगा नीचे, ऐसे एंगल और कम हो गए। सर वो जो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल होगा वो फिक्स नहीं होगा,
ये एंगल फिक्स है सेम है जो लोन ये लोन में हाँ ये नहीं ये एंगल ज्यादा हो जाएगा तब तो कम हो गया मान लो इसमें क्या है वही तो पेपर में आते हैं अब तुमको मान लो 107 है यह एंगल तो खुद मतलब क्या हुआ इस केस में एंगल क्या हुआ मोर देन कितना 107 और लेस देन 189 ये देखो ये तो बने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है भाई सोचो 109 से ज्यादा तो होगा नहीं टेट्राहेड्रल में तो 109 जब इधर उधर बढ़ गया तभी नहीं कम हो गया पेपर में नहीं मतलब एंगल क्या नहीं आएगा क्या फिक्स नहीं होता है वो कौन सा वो वाला एंगल जो एक जो सारे फिक्स है एंगल सारे सर NH3 की बात कर रहे हैं ये फिक्स है ये क्या होगा ना बड़ा होगा ये वाला लेकिन सर चेंज होता रहेगा कि फिक्स ही रहेगा बड़ा फिक्स रहेगा जो एंगल होगा फिक्स रहेगा सर क्या बढ़ गया मैक्स 109 होता कुछ मैथ मतलब मैक्सिमम के हां क्योंकि यदि 4D में एंगल तू जो बना ना चारों कोने का इसका कितना ही बन पाएगा ये सब जो है ना जब तुम यदि इसको मतलब चार पार्ट में डिवाइड करके मैक्सिमम इतना ही आ पाया 3D में मैक्सिमम इससे ज्यादा तुम चार बॉन्ड को एंगल पे तुम नहीं ले सकते 3D उसको लिया हुआ है ठीक है तो हम इसको जल्दी से थोड़ा पहले क्योंकि पढ़ा हुआ है तो आप लोग हाँ देखो जी इसका सेप क्या हो गया अब देखो जी इसको बंद कर दो लोन पेयर को सेप में मत देखो तो जी क्या दिख रहा है पिरामिड ये पिरामिड है ठीक है ऐसे पिरामिड बन जाती है देख लो मतलब क्या हुआ दिस इज पिरामिड मतलब ज्योमेट्री फिक्स है सेप बदल गया पिरामिड ठीक है और इसका सही बताओ बी शेप यदि तुम नॉन पेयर को ढक दो ठीक है ना एंगुलर शेप वी शेप या बेंट शेप बेंट और वी शेप तो भाई ये बेसिक था 11th का ही लेकिन आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए तब तुम आगे सेम सब पढ़ोगे आगे इजी लगेगा जल्दी से हम एक पॉइंट पर लिख लेते हैं मेन वेस्पर थ्योरी का VSEPR थ्योरी सब जानते हो मेन क्या है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसके ज्यादा नहीं है पहला पॉइंट क्या पढ़ा है LP रिपल्शन क्या होगा मोर देन LP BP रिपल्शन more than LP BP repulsion sir BP 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 हो गया BP BP तो आपने ये पढ़ा हुआ है ठीक है जी और दूसरा ये LP और BP है हाँ पहले LP BP BP ठीक है लिखवा दिया और जी फिर से लिख लो एक बार मतलब मेन पॉइंट जो है पढ़ाया था ज्योमेट्री किसके बिहाफ पे देखते हैं ज्योमेट्री होता है किसके बिहाफ पे ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ एटम अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम ज्योमेट्री जी मतलब अरेंजमेंट ऑफ याद आ गया ना एटम अराउंड सेंट्रल एटम अराउंड सेंट्रल एटम और शेप कैसे जी ध्यान देना
मैं इसी में लिखवा देता हूँ, क्योंकि बच्चे सेफ टाइप में नॉन पेयर को देखना शुरू कर देते हैं। सेफ में क्या देखोगे? बॉन्ड पेयर। मतलब सेफ में हम लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं है। सेफ जब भी मतलब उसमें क्या होता है, मतलब यहाँ पे एडजमेंट ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल एटम, यहाँ पे क्या होगा, एडजमेंट ऑफ एटम ही होगा, लेकिन लोन पेयर का कोई मतलब काम नहीं, इसका कोई मतलब। सेफ से लोन पेयर को कभी मत देखना, उससे तुमको फायदा क्या रहेगा, जो नाम याद, तुमको नाम याद रहेगा, जिससे बना के बता सकते हो, नम्रता कम मारना, ये फायदा होगा आगे जाके। और क्या था, और लिखवा दिया था लोन पेयर, क्या लिखवाया था, लोन पेयर इक्वल टू क्या हो, जीरो, जीरो जो बनाया था ना, ज्योमेट्री इक्वल टू सेफ, ये सब वही बात है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। और क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि तुम्हारे बुक में एक मतलब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में एक कंपाउंड का जो है सेप का एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, तो उस सेप को बताने से पहले, क्योंकि तुम्हारे एसएलसी रीजन में या कहीं एमसीक्यू में मान लो, अरे पुलिस माता की पुलिस निकल गया है, ऊपर तो बना इसके बाद जो बिजली है हमारी हैं, ये दूसरी फाइल तो वेस्पर थ्योरी जो है आपको थोड़ा एक्सप्लेन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन का जो 11th में था, सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द सेफ ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। सर आपको भाई कुछ पॉइंट्स बनाना चाहिए, क्यों हुआ वी शेप, क्या बताओ वी शेप क्यों है, जो इससे बना रहे हो वी शेप क्यों बना दिया वी शेप, दो दो कौन पे सर, दो दो पे नॉन से मॉड, बाकी दो कौन पे, बाकी दो कौन पे सर, मिनिमम में तो जी जब आप यदि नाम ही है वैलेंस सेल, सबसे पहले हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करना होता है जी सर, वो क्या है 5 डिग्री एल 105 डिग्री होगा सेल्सियस में डिग्री, मतलब देखो जी पहले हम क्या करेंगे, वैलेंस सेल की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, पहले कितना इलेक्ट्रॉन है,
क्या लिखोगे इन एच टू ओ ऑक्सीजन है सिक्स देखो जी इन देखो साथ साथ इन एच टू ओ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम क्योंकि हम सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इन एच टू सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है कितना ग्रुप 16 का एलिमेंट है सिक्स इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल तो जोन सा ग्रुप उतनी वैलेंस होती है हाँ जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उस ग्रुप में उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं 50 में 5 होते हैं 16 में 6 हो गए ऐसे देख सकते हो तो भाई 6 तो क्योंकि हम इसमें फार्मूला से नहीं बताएंगे ऐसे बताएंगे ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है तो 6 में दिख रहे हैं हमें दो बॉन्ड बनाया हुआ है H2O है दो बॉन्ड बनाया हुआ है ठीक है तो क्या लिखोगे सो इट फॉर्म्स टू बॉन्ड क्या टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स तो जी चार है तो भाई दो बॉन्ड आपको दिख रहा है तो दो लोन पेयर ही होता होगा तो टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स और क्या होगा एंड ज्योमेट्री देयर बॉन्ड ज्योमेट्री क्या होगा देयर बॉन्ड ज्योमेट्री स्ट्रक्चर हां ज्योमेट्री वो जल्दी में से जल्दी में है ज्योमेट्री आना चाहिए नहीं तो सेम बहुत प्रॉब्लम है कि आगे जाके तो दूसरी तरह आईटी का तुम्हें एडवांस ही कर लोगे सीधा जी पहले जेई पेपर देना होता है पता नहीं बात तब एडवांस में जाओ ज्योमेट्री देयर फॉर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल तो जी कुछ लोग टेट्राहेड्रल नहीं कहते हैं जो गलत बोलते हैं ज्योमेट्री फिक्स होती है चार है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए ठीक है जी ज्योमेट्री का सेंसर आ गया एंड डाल दी ताली दो एंड ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3 चार है sp3 ठीक है अब जो आपने अभी बताया था तो अब यहां डाल देंगे अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी क्या होगा ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर टू इज ज्योमेट्री स्टार्ट लोन पेयर रिपल्सन है ये बात करेंगे सारे रिपल्सन की बात करेंगे क्या क्या रिपल्सन यहां पे है मेन ये बताना होता है मेन यही पॉइंट है एलपी एलपी रिपल्सन इज मोर देन एलपी बीपी रिपल्सन इज मोर देन बीपी बीपी रिपल्सन तो ये सब जो जी ये सब बात सब बुक में लिखा होता है ये सब है मेन जो जैसे मर्जी बुक में लिखा होता है कि एक जो हर एक बुक में एक बात जो लिखा ही रहता है क्या लिखा रहता है ये सब ठीक है जी कॉमन बात है सब तो बता दोगे तो नॉन पेयर है बॉन्ड ये सब बात है वेस्पर थ्योरी ये बताओ ये लोन पेयर जो रिपल्सन था तो हमने ये सब सेम क्यों बिगाड़ दिया भाई क्यों पास ले आया ये बताओ पास लाया क्यों भाई छोड़ देते दोनों बॉन्ड को पास में क्यों लाया अंदर क्यों कम किया ताकि लोन पेयर डिस्टेंस बढ़ जाए स्टेबिलिटी बढ़ जाए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भाई रिपल्सन को हम कम करना चाहते हैं तो कम करें क्या था दूर दूर कर दिया बताया था ना तुम जैसे मान लो तुम नहीं क्यों बताया था जी लोग कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करो मैं क्यों मेंटेन करूँ तुम डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में क्या तुम जंगल पहुँचोगे नहीं 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 आदमी नहीं बिचल ना ना उसी पे तो डिस्टेंस में ना रिपल्सन कम हो लड़ाई कम हो देखो भाई जैसे लोग मान लो क्या करते हैं पड़ोसी है नमस्ते किया गेट लगा लिया अंदर नहीं जी बात नहीं करेंगे चलो तो बात मतलब इसका लॉजिक क्या है हमें रिपल्सन कम करना है लड़ाई कम हो तो मतलब ये दोनों में रिपल्सन इसका एंगल ज्यादा है दोनों के बीच में मतलब रिपल्सन मतलब ये दे रहा है इसीलिए बेंट हो गया साइड ले लिया तो हर एक बुक में क्या लिखा था वेस्पर थ्योरी का तो मेन जो पॉइंट होगा भाई तुम्हारे असम्पशन रीजन कहीं क्वेश्चन बन सकता है भाई ऐसे सेव क्यों कर दे रहे क्यों बना दिया रीजन क्या है बेंट क्यों किया
तो ये रिपल्सन की वजह से हमने क्या किया, टू मिनिमाइज दीज रिपल्सन, जो ये सब है, ये जो रिपल्सन है सर, ये भी रिपल्सन है, तो ऐसा भी नहीं है इसको हम काफी पास कर दें, ऐसा भी नहीं है, रिपल्सन इसमें भी है। तो मेन पॉइंट क्या है, देयरफॉर टू मिनिमाइज, टू ये सब को लिखाओ, मिनिमाइज, देयरफॉर टू मिनिमाइज दीज रिपल्सन्स, दीज रिपल्सन्स, एच टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज वेंट ऑफ वी से, बस आपने 11th का ये पढ़ लिया, जो अभी तक 11th ही चल रहा था, क्योंकि 12th में भी है, क्योंकि ग्रुप 16 12th में है, इसीलिए ऑक्सीजन ग्रुप 12th में, इसी 16 12th में, इसीलिए आपको H2O का से पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आगे टॉपिक क्या आने वाला है, ध्यान दो जी, उस टाइम तुमको एंगल नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम आएगी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे लिखोगे नहीं, ग्रुप 16 में H2O है, फिर NH2O, H2S भी तो है, दोनों में दो दो लोन पेयर सेम है ना, तब बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऐसे ये पढ़ाऊंगा मैं ट्रेंड, H2O, H2S नहीं सेम नहीं होगा, पढ़ेंगे है वहां पे तुमको याद रहेगा, अरे H2O का एंगल बॉन्ड एंगल कम हो गया था, 109 से तो कम था, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एंगल बढ़ जाएगा थोड़ा, भाई 109 तो पहुंचेगा ना इतना, क्योंकि रिपल्सन तो है ही, कितना क्या होगा ये सिलेबस में पढ़ेंगे, तो हमें पहले उस टाइम मतलब किसी भी बच्चे को पता ही नहीं पड़ा इतना 104 था पता नहीं, तो उसको फिर पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो आपका आ गया ग्रुप 16, चलो जी बाकी जो है अमोनिया में क्या होगा, एलपी बीपी रिपल्सन होगा, देन बीपी बीपी रिपल्सन, वहां तो दो लोन पेयर तो है नहीं, तो आपको बाकी मैं एक जब ग्रुप 17 का सेव कराऊंगा भी, तो वहां फिर मैं एक्सप्लेन करके पूछूंगा कैसे एक्सप्लेन। अब हम सिस्टमेटिक क्या कर रहे हैं, ग्रुप 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, भाई कौन कौन सा सेव पढ़ रहे हैं, 15 16 17 18 एक साथ सारा ग्रुप का सेव पढ़ लेंगे। भाई ग्रुप 15 ही पहले स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 15 एंड सी और PCl3 एंड PCl5 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एंड सेव ऑफ पीस, तो जी सबसे पहला हमारा PCl3 है, तो आपको वन मार्क का क्वेश्चन या MCQ में आपको लिखा होगा ऑप्शन, जल्दी से चेक कर लोगे PCl3 की कितने लोन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर से बता दोगे जल्दी बताओ, शुरू करो ठीक है, ट्रैक पे जाके जल्दी पढ़ना है सिलेबस में। सही करते नहीं अभी अभी से बताया कुछ है आसान चीज है जो मर्जी बोल देंगे क्या चलाओगे जो मर्जी बॉन्ड पे लोन पे ये निकालोगे बैठ के
कुछ ऐसे होंगे जी जितना मर्जी पढ़ा दो बेसिक वो सोचेंगे नहीं सर, मतलब सर मेरा सोचना काम है नहीं सर, आप सोचो हमें क्या मतलब है सर, थ्री वॉलंटियर और एक लोन दे रहा हूं, दो लोन दे रहा हूं, दोनी एक एक को ना डॉक्टर हां इंटरव्यू पे आया मेरा सर, एक लोन दे रहा तू अभी तो बहुत जल्दी में थे 20 से 30 से अब तो निकाल दे नहीं हो जल्दी निकाल यार तो थोड़ा बता दियो फार्मूला कुछ घर से पढ़ के आओ ये साफ हो जाएगी पी ब्लॉक वैसे ही 10 मार्क्स का 35 में 10 मार्क्स का पी ब्लॉक है सोच के देखो भाई कुछ लॉजिक होगा सर तीन बॉन्ड पर से एक लोन पे होता है हां निकालो तुम्हारे ना ये चार है ना पर लोन पे तो बॉन्ड पे पी से थ्री में बॉन्ड पे थ्री नया लोन पे तो अरे देखो यार क्या लोन पे ये यार पढ़ लिया है तो क्या बात है पी का 5 सीएल का 7 इनटू 3 5 प्लस 21 26 बाय 8 3 बॉन्ड पेयर्स रिमाइंडर बचा 2 2 बाय 2 1 1 लोन पेयर ऐड कर दो 4 एसपी 3 ठीक है जी ज्योमेट्री क्या हुआ तो जी ज्योमेट्री पेपर में कम आते हैं लेकिन आपको ज्योमेट्री में इसलिए हेल्प नहीं के लिए क्योंकि आपको पेपर में ज्योमेट्री इक्वल टू सेम नहीं होता है लेकिन ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है टेट्राहेड्रल चार आ गया चार पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है जी अरे ज्योमेट्री में पता है क्या लिखा था वहां पे ठीक कर लो वहां जी ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा था वेस्पर थ्योरी वहां लिखो ज्योमेट्री में अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड लोन पेयर ऐसे लिखो ज्योमेट्री ऑफ एटम एंड लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड लोन पेयर उससे ज्योमेट्री बनती है और सेम में क्या बनता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ओनली हां जो बता दो सेम में डाल दो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ओनली मतलब तो जी वो सब आते नहीं है पता नहीं तो माइंड में सेट कर लो ऐसे वेस्पर थ्योरी का मेन कंक्लूजन रिपल्सन बता दिया भाई ज्योमेट्री कैसे देखा हमने चार था ना लोन पेयर अरेंजमेंट ऑफ नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड लोन पेयर उसको भी देखते हैं और सेम क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम ओनली मतलब इतना लॉजिकल ही है हमें समझो भाई हम क्या आगे यूज करने वाले हैं बात तो बताओ जी ये नहीं निकालोगे तो कभी सही नहीं होगा ये सब बेकार जाएगा और मैं वैसे पढ़ा दिया था जो पढ़े लिखे नहीं है पी का 5 है 3 बॉन्ड ग्रुप 15 का एलिमेंट है 3 बॉन्ड बन रहा है लोन पेयर एक नहीं बचा दो कहाँ से आ गए बताओ ये तुम बताओ सेम क्या है इसकी हाँ डी होगी नहीं अभी पढ़ाया था अमोनिया में क्या था एक लोन पेयर तीन सेम होगा जी अब आप तो या तो तुम अपना याद करना कुछ मुझे याद कर लेते हैं एक लोन पेयर तीन लोन पेयर पिरामिड चाहे मन में कुछ घुसे नहीं घुसे माइंड तुमको चाहे घुसे नहीं घुसे याद कर लेना नहीं समझ में आएगा लेकिन आ जाए तो भाई सोचना चाहिए भाई ऐसे बनाना टेट्राहेड्रल में पी एक लोन पेयर और चार है तीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर को छुपा दो क्या सेफ हुआ पिरामिड क्योंकि मेन पेपर में ये आएगा ज्योमेट्री तो फिक्स होते हैं ज्योमेट्री सेफ इक्वल टू पिरामिड अब दिखा रहा हूँ एंड अब बताओ जी एंट्रेंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं या सीबीएसई में कैसे बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मैंने सीबीएसई क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिखाओ जब मिलेगा बुकलेट तो आप देखोगे जो कुछ 4-5 साल पहले क्वेश्चन नए नए बन के आते थे जो तुम आंसर इसी से बताओगे थ्योरी से एक क्वेश्चन नया दे रहा हूँ तुमको पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इसका जो पी सी एल सॉरी सी एल पी सी एल बॉन्ड एंगल जो होगा एक सेकंड बॉन्ड एंगल किसका सीएलपीसी बॉन्ड एंगल जो होगा सीएलपीसी ऐसे नहीं सीएलपीसी ये मतलब बात समझ रहे हो 107 डिग्री मतलब इसका बॉन्ड एंगल अब एनएस3 के इक्वल नहीं है
ये बात ऐसा नहीं है जो एनएस तो एंगल याद कर लिया ना एनएस थ्री का तो उतना ही एंगल याद कर वही होगा जी सब में डाल दोगे गलत बात है और याद भी नहीं कर रहे और याद भी नहीं कर रहे देखो जी इतना अच्छा चीज है पीपल ऑफ मतलब याद भी नहीं कर रहे हैं एंगल कैसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं चार पांच क्वेश्चन और भी दिखाऊंगा जो बुकलेट में है जो बोर्ड में आ चुके हैं ये क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे आते हैं और बाकी हमें पता है अब देख लो पीएस थ्री में यानी अमोनिया में था ना यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं था एच के पास यहाँ भी लोन पेयर है कुछ सब काम होता है जो सिलेबस नहीं दिया इसका यूज कर रहे हैं लोन पेयर यहाँ भी होता है ये भी तो अपना काम करता होगा भाई कुछ मतलब बॉन्ड एंगल 109 के इक्वल भी नहीं होगा लो जी पेपर में क्या आता है मोर देन 100 है ये क्या आएगा मोर देन ये ऑप्शन आते हैं मोर देन 109 या लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट या इक्वल टू 107 ये आते हैं इक्वल टू 107 तो इक्वल 107 नहीं डालना है कभी क्यों नहीं डालना है क्योंकि यहाँ नॉन पेयर भी तो होगा कुछ और भी तो होने वाला है हमने तीन ही एंगल याद करना है कौन सा अमोनिया मीथेन और वाटर और एक दो जो और बताऊंगा तो हम ये सोचेंगे 109 तो पक्का नहीं होगा क्यों नहीं होगा डिपर्सन होता है कम कम करना है तो लेस देन क्या आंसर होगा लेस देन 109 ये आपको बताना चाहिए 109 से लेस होगा अब 107 से क्या होगा जी थोड़ा कम हो जाए या बड़ा हो जाए बात की बात है हाँ कैसे पता बड़ा होगा तुमको क्या पता है जो मान लो पीसीएल थ्री पीबीआर थ्री वो पढ़ेंगे हम कब पढ़ेंगे उसे तुमको कुछ मतलब तुमको ऐसा पढ़ना है जिसमें क्या हो पी हो या एन हो चेंज होगा तब पढ़ाऊंगा उसका तुमको अभी तुम इसको देख के क्या कह सकते हो क्या होगा लेस देन कितना बस आपको इतना बस पता होना चाहिए बाकी बात हम बाद में करेंगे तुमको लेस तो पक्का होगा सर बाकी क्या होगा पता नहीं है लेस क्या होगा क्योंकि एलपी ये लोन पेयर ने तीनों को रिपेल किया तो थोड़ा पास ले आया एंगल को किससे 109 से कम कर दिया इसको क्योंकि ये रिपल्सन ज्यादा है एलपी बीपी रिपल्सन ज्यादा है बीपी बीपी रिपल्सन ये रीजन है ठीक है इतना पढ़ने के तो पीसीएल 3 का आपको सेव क्या हुआ इससे क्वेश्चन करवाऊंगा जी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा कैसे क्वेश्चन है तो हमारे पास पीसीएल अब बात करते हैं पीसीएल 5 का सेव तो हमने SP3 का दो तीन पढ़ लिए सर पीसीएल का जो लोन पे हुए ठीक है अच्छी बात है हाँ जी बताओ पीसीएल है में कितने बॉन्ड पे है हाँ पांच तो जी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो SP3 हाँ तो जी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा होगा जो होगा वो तो टेट्राहेड्रल हाँ एस पी थ्री था चार वाले का पोजीशन हमने क्या किया टेट्राहेड्रल बनाया चार का अब एस पी थ्री डी इसका माइंड में फिगर बदल हो गया अरे जैसे आदमी की ज्योमेट्री पर आया था डॉग की ज्योमेट्री अलग होती है तो दोनों को कंपेयर करने जाओगे तो हो जाएगी प्रॉब्लम तो हमें मतलब एस पी थ्री डी है तो कुछ और माइंड में सोचेंगे बात हम कैसे देखो तो इसके लिए एलेवेंथ का कंपाउंड जोड़िए सीखना एलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ का नहीं है जो मैं ब्रैकेट में बता देता हूँ कुछ बच्चे को आते भी आता होगा बी ए थ्री का बताओगे इसका सेप क्या होता है ज्योमेट्री या सेप हाँ जी और निकालो और लोग हाइब्रिडाइजेशन में निकाल लो मैं प्रैक्टिस हो जाएगा एलेवेंथ क्लास तो वैसे टोटली एलेवेंथ है क्योंकि बोरोन क्या है ग्रुप 13 का है लेकिन फ्लोरीन तो ग्रुप 17 को क्या पता आ जाए सर एस पी थ्री डी कैसे है नहीं एस पी थ्री सर एस पी टू एस पी टू आएगा निकालो तुम वही होता है 2 4
क्वेश्चन की लेंथ कितनी है इधर बोल रहा हूं 4 इंच बोल रहा हूं 5 छोड़ो ठीक है ठीक है एस पी टू है ठीक है आपका एस पी टू क्या है इसका ठीक है क्लियर है सबको अब तीन दो जी तीन है तीन की ज्योमेट्री सोचो मैक्सिमम लाइन तीन लाइन है नॉन पेयर जीरो है ठीक है ना बॉन्ड कितना बॉन्ड पेयर है बॉन्ड पेयर हमारा तीन है लोन पेयर जीरो है ज्योमेट्री और सेम तो इक्वल ही होगा तो अब बताओ मुझे जो इसका क्या होगी ज्योमेट्री ऐसे पिरामिड में तो जी पिरामिड नहीं जी एंगल कम था तीन लाइन को रखना है तो जी एक प्लेन में कितने एंगल होगा मैक्सिमम 120 जी बनाओगे ठीक है जी 120 एंगल मतलब एक प्लेन मतलब हमें क्या बनाना है तो ये क्या बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर यानी क्या है बी एफ थ्री भाई इससे तो जी 109 से एंगल भी क्या हो गया ज्यादा हो गया तीन ही पॉइंट तो मतलब आपने ये सोचा मैक्सिमम एंगल क्या होगा 120 डिग्री नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर अब पांच को कैसे रखोगे भाई पांच तो भाई एक प्लेन में मत रखो एंगल बहुत कम हो जाएगा तो जी वैसे सब याद करना है लेकिन कुछ लॉजिक से अपना पढ़ते पढ़ते याद करने में अच्छा रहता है ठीक है पीसी फाइव की बात करते हैं क्या बनेगा सोचो पांच बॉन्ड ह्यूमन किसे सर किसे आदमी जब रात हो गया आज इसको सर था सर किसे तो जी पीसीएल फाइल में तो पढ़ाता थी तो सिंपल था नाम सुना होगा जी तो 72 डिग्री एंगल वो पांचों को नहीं लेना लाइन में प्लेन में नहीं लेना प्लेन में प्रभाव उसमें होगा प्रभाव बाद में पेंटागोनल में आएगा पेंटागोनल पाई पिरामिड तो पेंटागोनल में आ जाएगा 72 ये बताऊंगा देखो जी पांच बनाना है तो एक तो समझ में स्टेबिलिटी जी तीन बना दो ऐसे कैसे ट्रायगोनल ट्रायगोनल एक ऊपर नीचे मतलब ये हो गया ट्रायगोनल दो पिरामिड एक ऊपर एक नीचे ऐसे जी था ट्रायगोनल था एक ऊपर पिरामिड एक नीचे तो क्या नाम हो गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री शेप इक्वल होगा मैं जोन पेयर तो है नहीं ठीक है जी ट्राइगोनल बाय पिरामिड है इसमें बाय सर में भाई तीन ट्राइगोनल ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऊपर एक नीचे तो मतलब ये एंगल होगा 120 और वहां कितना एंगल होगा ये 120 और ये वाला 90 ऐसे ऐसे 90 पे नीचे भी 90 बराबर है जी अब हम सेप आगे नहीं पढ़ेंगे इसी ग्रुप 15 में एक क्वेश्चन है जो 11th में भी क्वेश्चन था 12th में भी फेमस क्वेश्चन है जो क्या पीसीएल 5 जो आपने पढ़ा है पांच बॉन्ड है क्या पांचों बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा पढ़ा होगा 11th में बॉन्ड लेंथ आज क्वेश्चन क्या है देखो जी क्वेश्चन नंबर 1 अब जब बुकलेट मिलेगा तो क्वेश्चन 1 है पेज लिख लो भी नेक्स्ट टाइम सबको बुकलेट मिल जाएगा 141
क्वेश्चन वन, आर ऑल द फाइव बॉन्ड्स, आर ऑल द फाइव बॉन्ड्स इन पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो भाई ये सब आप अभी तक 11th क्लास का क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो, लेकिन भाई है सिलेबस में 15 का फेमस क्वेश्चन है। जल्दी बताओ जी, PCL5 जो है कैसे इक्विवेलेंट है या नहीं है? बोलो जी, है इक्विवेलेंट? नो सर। नो सर, क्यों सर? एक्सियल बॉन्ड ज्यादा होगा इक्विवेलेंट बॉन्ड। क्यों सर? ट्रायंगल सेम नहीं आएगा ना, रिवीजन होगा इक्विवेलेंट बॉन्ड के पास पास में, इसलिए उसमें रिपल्शन। एक क्वेश्चन पूछूं जी, एमसीक्यू क्वेश्चन नया आ गया, कुछ कुछ बलान आ सकता है। कितने एंगल इसमें PCL PCL, कितने एंगल जो होगा CL PCL एंगल, कितने एंगल 90 डिग्री का होगा? पहले पहले बताओ जी, कितने एंगल 120 का बनोगे? कितना एंगल होगा 120 का? 3 कितने एंगल होगे टोटल? 3 होगे। ये बता, 120 3 120 120 तीन एंगल होगा, और 90 के कितने एंगल होंगे? 2 4 6 होंगे। अच्छे, कैसे बता रहा हूँ? बता रहा हूँ जी, वेट कर लो थोड़ा। देखो जी, ये जो हमारे पास तीन, देखो जी तीन है, ये तीन है ट्राइगोनल है। कैसे बन गया जी? ये है ट्राइगोनल, किसी को दिखाई देगा ऐसे? देखो जी, ये सबको थोड़ा ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे ही डाल देता हूँ, है ना ट्राइगोनल? देखो जी, है ना ट्राइगोनल ये? ठीक है, है ट्राइगोनल ये? इसके ऐसे मान लो ये तीन है, ऐसे होता 90 है, तो ये जो था लाइन, इसमें भी 90 हुआ, इससे भी 90 और इससे भी 90, तीन हो गया 90 एक प्लेन में। एक प्लेन में तीन पे 90 हुआ, इससे लाइन पे 90, इस लाइन से भी 90 खड़ा है, इससे भी 90, नीचे ऐसे ही है सेम। यस सर, तो 6 एंगल है 90, मतलब हाँ जी, आ गया समझ में सबको? हाँ जी, ऑल लाइन आ गया। तीन ट्राइगोनल ले लो और दो लाइन खड़ा कर दो, एक पिरामिड एक पिरामिड नीचे, तो नीचे वाले का 390, इस वाले का 390, मतलब 6 एंगल 90 डिग्री का होगा। इससे हम तुझे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जी। और आपने सुना होगा 11th में, ये जो हमारा है दो एक्सिस का, ये हमारा एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल, और ये क्या है? इक्वेटोरियल। ए एक्स जो हमारा है, दिस इज एक्सियल बॉन्ड्स, और ई क्यू जो है दैट इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये भी आपको पहले से पता है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अरे एक चीज और समझो जी, तुमको पहले तो एक्सप्लेन करना बात की बात है, तो वैसे समझ जाओगे हाँ इजी वे से। भाई क्यों बॉन्ड लेंथ बढ़ा है इसका, पहले लिखता हूँ पहले से। इजी क्या होगा? नो ऑल फाइव बॉन्ड्स इन पीसीएल फाइव, नो ऑल फाइव बॉन्ड्स इन पीसीएल फाइव आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है जी। क्यों नहीं है सर? क्योंकि तीन एक्सियल बराबर और दो तो अलग ही। हाँ, मतलब तो जी तुम ये कह सकते हो
सिक्स इलेक्ट्रॉन देखो जी बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, बताओ जी सिक्स इलेक्ट्रॉन कैसे है, दो इलेक्ट्रॉन दो ये और दो ये, छह इलेक्ट्रॉन है। अरे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड है, छह इलेक्ट्रॉन है, इस छह इलेक्ट्रॉन के 90 पे है ये वाला जो है ये वाला 90 पे है, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है कौन सा एक्सियल वाला 90 पे है, नीचे भी दो इलेक्ट्रॉन 90 पे है, किसी एक ही बात कर देंगे हम एक्सियल वाला है ऐसे है। तो मतलब एक्सियल बॉन्ड पेयर जो है सफर मोर रिपल्सन टू द इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर, अरे इस तीनों में रिपल्सन कम होगा क्यों बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इस इसका जो होगा तीनों कहेगा दूर रहो मेरे से, ये इस लाइन को ये तीनों क्या कहेगा मेरे से दूर रहो, क्यों 90 पे है, हाँ जी कौन 90 पे है ये वाला, इसमें और इसमें तीनों से रिपेल करेगा ये वाला भी और नीचे ये वाला, तो मतलब ये एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है, क्यों रिपल ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है 90 बहुत कम होता है, तो मतलब एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्सन टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स वेयर द बॉन्ड एंगल्स आर ओनली 90 डिग्री, फिर बाद में ही सो टू मिनिमाइज द रिपल्सन, तो हम क्या इसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं दूर जाते हैं, मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टेंस में मेंटेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया दूर दूर चला गया क्लाउड, तो वीक बॉन्ड भी हो गया और बढ़ेंगे आगे पे वीक बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक भी होता है जल्दी ब्रेक होता है, कसो कैसे ये किसने देखा बताऊंगा कौन देखा, तो मतलब पहले क्या बोलोगे भाई बॉन्ड को हमने क्या किया स्ट्रेच करके क्या होगा जी पर्सन से क्या दूर हो जाएगा, तो बॉन्ड क्या होता है इलेक्ट्रॉन की है क्या इलेक्ट्रॉन जो ये बनता है बॉन्ड क्या होता है ये होता क्या है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होता है जो हमने दूर दूर कर दिया, तो क्या लिखेंगे इसमें नॉट इक्विवेलेंट और इसे लिख दो नॉट इक्विवेलेंट एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन longer than equatorial bond bond pairs डाल दी चलो क्यों due to axial bond एक्सियल बॉन्ड्स डाल दो बॉन्ड्स सफर मोर रिपल्सन टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर where the bond angles are only 90 degree, मैं repulsion क्यों है वही बता दी bond angle 90 degree का ही है और repulsion किस में है एक्सियल बॉन्ड पेयर के का इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर के साथ है, वैसे तुम सारा एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेन किया और तुम नीचे मोनो लिख सकते हो टू मिनिमाइज दीज रिपल्सन्स एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लिख सकते हो, रिपल्सन कमी तो करना होता है भाई सिर्फ तो बढ़ा दिया बॉन्ड लेंथ हमने, देखो जी भाई अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता सरी बॉन्ड लेंथ क्यों किसी ने क्यों बना दिया, इसका कोई प्रूफ है बताओगे, इसका कोई ऑब्जर्वेशन है
अजय को बताओगे ऑब्जर्वेशन है कि नहीं इसका? यस सर। क्या है बोलो? बोलो क्या ऑब्जर्वेशन है? लोजिक पढ़ चुके हो पहले, बाकी टी ब्लॉक में भी है, बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो सर। पीसीएल फाइव को हीट करके देखा किसी ने? रिएक्शन है जी, टी ब्लॉक का रिएक्शन है। क्या देखा? PCl3 बन गया अब प्लस Cl2 बना। ये कह रही है क्या बात हुई? Cl2 क्यों जल्दी टूट गया हल्का हीट कर? ये नहीं टूटा, ये नहीं ब्रेक हुआ, ये 120 एंगल पे था। इसका क्या एंगल था? ये एक्सियल बॉन्ड टूटा था। क्या बना? एक्सियल बॉन्ड्स ब्रेक हुआ है। ये कि एक्सियल बॉन्ड्स ब्रेक हो चुका है तो पेपर में आ जाएगा ये PCl5 PCl3 क्यों बना। Because it is because PCl5 has trigonal pyramidal shape and we know that axial bonds support more repulsion to the equatorial bond and hence on heating Cl2 क्या हमारा वो decompose हो गया, निकल गया जो हमारा axial bonds है। बस ये यही reason है। Observation number one, भाई ये आपने reaction में prove किया ये ऐसी बात। एक और पढ़ चुके organic में observation याद है किसी को? और गिनी पढ़ा चुका हूँ एल्को, उसमें हेलो एल्केन में जो हाँ आर ओ एच में जी याद करो जब एल्कोहल में क्या डाला था पी सी एल फाइव याद करो ऐसे तो क्या कहा था पी सी एल थ्री को सेफ रखो दो सी एल एक्सियल बॉन्ड था ये तोड़ गया था ऐसे ये टूटा था देख लो यही तो ब्रेक हुआ था हमारे ये लॉजिक है जी किसी ने अल्कोहल को डाला पीसीएल फाइव ये बच गया तो जी बच भी गया तो जी क्या क्या फायदा इसका हुआ था आरसीएल तो आ गया और ये पीओसीएल जी है ना ये डबल बॉन्ड आ गया सेफ हो गया था सिंगल बॉन्ड बना भी नहीं सिंगल बॉन्ड बना भी नहीं बना डबल बॉन्ड करके ये पीओसीएल थ्री आ गया तो जी हो गया स्टेबलाइज हो गया डबल बॉन्ड और प्लस ऐसे निकल गया तो शेप क्या होगी हाँ शेप होगी इसका शेप जी जो डबल बॉन्ड है चार लोन पे नहीं है पढ़ा दिया बोलो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल तो भाई क्वेश्चन कुछ भी बनेगा तो आपको पता होना चाहिए PCl5 का एक्सियल बॉन्ड थोड़ा भी हीटिंग मिला है इसको थोड़ा हीट होता है रिएक्शन सब में हीट होता है यार हल्का हीट सब होता रहता है ध्यान देना हल्का हीट होता है थोड़ा हीट करोगे PCl3 तो वही बैठा हुआ है तो ये आपका हुआ PCl5 को हमने हीट किया तो ये ऑब्जर्वेशन आना चाहिए जल्दी से आज का लास्ट ग्रुप 16 का SF4 मतलब आपने पांच को क्या देखा जी ट्राइगोनल ये माइंड में सेट कर लो जो ज्योमेट्री क्या होता है ज्योमेट्री चार का टेट्राहेड्रल ठीक है जी पांच का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से बदलेगा जब लोन पे रहेगा तुझे अब ग्रुप 15 हमारा हो चुका है ग्रुप 16 अब देखो जी क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे अब क्वेश्चन इतना सारा कैसे बन जाता है नया क्वेश्चन जैसे कहोगे जो एंट्रेंस में या तुम्हारे सीवी में नया बनाना होगा तो क्वेश्चन कैसे बनते बता रहा हूँ ASH3 बताओ जी सेम क्या होगा बताओ तो जी कौन जल्दी बताओगे ऑनलाइन या ऑफलाइन बता सकते थे पिरामिड और जहाँ और बताओ और बता दो कोई ऑफलाइन ऑनलाइन जी जिसको बताना हो ए एस आर से नहीं कहते कुछ बच्चे को पढ़ने में दिक्कत बाद में बाहर मार देंगे ए एस एफ क्या हुआ जी भैया तो टी से टी में पढ़ाया अभी तक फिर क्यों सोचते हो फालतू क्यों सोचते हो भाव फिर भी उल्टा सोचना शुरू कर दिया टी से मार रहा है टी में जानते हो मैं टी पढ़ाया नहीं कुछ टी कुछ नहीं होता है मान के चलो
ठीक ही नंबर आएगा ठीक है। अब बच्चा बढ़ाएगा अभी क्यों बताओ मैं ठीक बताऊंगा सीख क्या होता है क्या ठीक है। हाँ जी आ गया सबका क्या है अभी इसको कॉपी मिलना नहीं कहा है जी। आर्सेनिक पता है किस ग्रुप में है किस ग्रुप में 15 है 5 है जैसे NS3 था वैसे PS3 हाँ एक बॉन्ड पे है हाँ एक बॉन्ड पे है एक बॉन्ड पे है क्या है ये रोहिणी है कि बताओ ये रोहिणी है कि दिल्ली है ये रोहिणी में रहते हो कहाँ है रोहिणी है ना रोहिणी कि दिल्ली है तो यार तो ये तो कोई नहीं पता है जो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं एक बॉन्ड कहते हो मुझे नसीब हो क्या नहीं सर नशा में बोलो नशा वशा करते हो बताओ यार तो तीन एच थ्री दिख रहे हैं तीन एच है तुम यार मुझे एक बॉन्ड पे कह रहे हो यार ध्यान तो क्लास में रहो ना क्लास में ठीक है जी तीन बॉन्ड पे एक ना नोट पे फिर मुश्किल है जरे ग्रुप के तीन में हाँ तो भाई जल्दी निकाल एक निकाल लो पांच है 5 + 3 = 8/2 4 चार आया है एक तीन बॉन्ड दिख रहा है एक लोन पेयर ही होता होगा है जी तो पिरामिडल शेप है तो तुम सारा चीज पढ़ा दूंगा यहीं पे भाई आपको ग्रुप 15 का एलिमेंट याद हो जी। अब नेक्स्ट टाइम से यदि पढ़ के नहीं आते हो बहुत प्रॉब्लम आएगी ऐसे भी जो ही 7 क्लास होगा नहीं आधे बच्चे साहब जी सर याद ही नहीं हो रहे मेरे से छः सात क्लास के बाद कुछ बच्चे साफ हो जाएंगे मेरे बस की सर नहीं है पी ब्लॉक मैं याद ही नहीं करूँगा सर ठीक है जी ये बात ध्यान रखना कुछ बच्चे होते हैं जी बाद में लटक के अपना लटक फटक के कुछ कर लेते हैं इसीलिए यदि अच्छा से कर रहे हैं साथ साथ पढ़ते हैं मैं पूछ दूँ एस अरे नानी पापा आंटी ग्रुप 15 का है 5 होगा 5 × 3 = 8 8/2 करेंगे 4 4 बॉन्ड दिख रहे हैं तो एक लोन पेयर ही होता होगा एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऊपर है तीनों बॉन्ड को नीचे धकेल देगा पिरामिड बन जाएगा ऐसे बोलना पढ़ोगे भाई ठीक है 5 बॉन्ड होगा तो ट्राइगोनल बाय पिरामिड नीचे ऊपर माइंड सेट करना पड़ेगा। अब आ गया ग्रुप 16 का ज्योमेट्री एंड शेप यानी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ SL4 सारा 11th क्लास ही पढ़ रहे हो तो जी बॉन्डिंग चैप्टर केमिस्ट्री ऐसा तो जी आसान सब्जेक्ट है जो 11th में था वो 12th में रिपीट होते थे सेम डिटो ऐसा तुमको किसी चीज में नहीं मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ SL4 तो बताओ जी SL4 जो हमारा होगा कैसे 6 + 7 × 4 6 + 28 = 34 34 by 8 4 4 bond pairs 2 by 2 1 1 lone pair 1 sp3d 4 bond pairs 2 by 2 1 lone pair add कर दो 5 sp3d हाँ पढ़ाऊंगा नया चीज है तुम ये पहले कह दो भाई होना क्या चाहिए ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए ये आदमी से मिलने जा रहे हो आदमी जब दिखेगा जी चाहे कितना मर्जी खराब बिगड़ा हो चेहरा हो दिखेगा आदमी से नहीं जब दिखेगा ड्रॉ है मतलब क्या है सेम ज्योमेट्री को पहले माइंड में सेट कर लो ये ट्राइगोनल बाय ज्योमेट्री जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा होना चाहिए तो हम ऐसे बना के सोचते हैं एक बार पहले लेकिन ज्योमेट्री का वो लिख लिया करो बुक समय ज्योमेट्री बच्चे नहीं याद करते हैं लेकिन इसके बिना रट्टा बहुत ज़्यादा मारना पड़ेगा प्रायोरिटी चैप्टर जी याद भी करना है समझना भी है दोनों काम है बिना लर्निंग का होगा भी नहीं बाय पिरामिड तो पहली बात हमने ज्योमेट्री मतलब हम दोनों लोन पेयर बॉन्ड पेयर देख लिया पांच चीज है पांच का वही होगा सिर्फ बाय पिरामिडल बाय ठीक है। अब देखो जी मान लो मैंने SF4 को ऐसे बना दिया लो जी तीन बॉन्ड को वैसे रख दिया जैसे रखते हैं कुछ इसका लॉजिक है जी लो लोन पेयर यहाँ F यहाँ डाल दिया
तो बताओ लोन पीरियड कहाँ पे है, एक्जीएल में रखा है या किटोल में रखा है, कहाँ रखा हुआ? ठीक है, ये बात सबको आ गई। बताओ क्या ये सेब ठीक तो है, हम सेब इसको हटा देंगे, सेब बता देंगे? गलत है। क्यों गलत है? सर अगर ऐसे होगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री का अंतर। हाँ, मतलब लोन पेयर को कम डिस्टेंस पे मत रखो जी। मतलब मान लो, सपोज कर लो, तुम मान लो कहीं जाते हो अपना फ्लैट देखने, घर लेने के लिए, तुम घर फ्लैट के सामने क्या देखते हो? इस ये आदमी कल न्यूज में आया था, किसी को गोली मार दिया, तो तुम वहाँ घर नहीं लोगे, जरिए बेकार है, यहाँ तो बदलो खराब भी रहता है, नहीं इसे इसे दूरी रहेंगे जी, फ्लैट लेने की बात ही नहीं करोगे, मतलब क्या है रहा गुड टाइप है। या मान लो ऐसा होगा, यदि मान लो तुम घर ले चुके हो, पड़ोसी ऐसा काम कर दिया, तुम अपना घर छोड़ के तो भागोगे नहीं, उससे दूर डिस्टेंस मेंटेन दूरी रखोगे, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे रहेगा तो कहीं ना कहीं तो रहेगा भाई, जो है सो रहेगा, लेकिन कितने एंगल पे है? 90 पे, तीनों पे आ गया, इसको कौन है जी, तीनों के 90 पे खड़ा हो गया पास, तो क्या करो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोन पे ऑन पे रिपल्शन, मैक्सिमम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसीलिए ये सेफ नहीं बनेंगे, बोले रॉन्ग वाला जी वह नहीं बनाएंगे कभी, लोन पेयर को कभी भी एक्सजीएल पे हम नहीं रखेंगे, लॉजिक रखो जी, लॉजिक कुछ लोग लॉजिक और बता देते हैं भाई, ये ऐसे घूमेगा ज़्यादा इधर उधर जाएगा, नहीं पढ़ाया था, फ्री रहेगा तो इधर भी जाएगा इधर भी, लोन पेयर एक्सजीएल पे नहीं बनाना, और नहीं बनाना है जी, जब मान लो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मान लो जब ऑप्शन कोई नहीं बचेगा तब देखेंगे, कि यहाँ तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये भी पोजीशन है, इंटरचेंज कर देते हैं, तुम बताओ जी हम कैसे रखेंगे? हाँ डाल देते हैं कितने, बताओ जी सेट क्या बना सर? सी सर। हाँ अरे इसको ऐसे घुमा दो, लोन्डर को पकड़ लिए ऊपर डाल दो, ऐसे घुमा दो, तो इसको स्ट्रेट लो जी, ऐसे लो, ऐसे बना सकते हो, इसको कोई ऐसे बना सकता है ना, देखो जी कर दिया ऐसे, इक्वेटोरियल दिखा दिया ऐसे, ठीक है, इसको मान लो स्टैंड है, एक इधर बैठ जाओ एक इधर बैठ जाओ, और सी सॉ शेप हो गया ना, भाई देखता है झूला क्लियर दिख रहा है जी, हल्का रफ आइडिया भाई दिख रहा है, तो हमने बता दिया, याद कहाँ करना है जिससे वो लॉजिक ध्यान रखना है भाई, लेकिन जब भी होगा क्या, जब भी क्या होगी बताओ जी, एक लोन पेयर होंगे चार बॉन्ड पेयर, और ज्योमेट्री क्या होंगे ट्राइगोनल बाय, तब टू सेप यही होगा जी, अब ये आपको प्रैक्टिस करना है, और भी कंपाउंड मिलेंगे आगे जाकर, जब भी क्या होंगे चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो याद रखिए यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, ऐसे सोच के फिर प्रैक्टिस करके तुमको जल्दी याद हो, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे जी, दिए रहेंगे ऐसे, क्या दिए होंगे जो आपको ऐसे फोर का ज्योमेट्री सेप या आते लोन पेयर एंड सेप, लोन पेयर एंड सेप ऐसे ऑप्शन बनेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ तक भाई, अब जो है सिलेबस को हम स्मूथली पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारा बेसिक हो चुका है सेप का जी, तो 10-15 सेप और भी है जो इसी बेस पे नया नया आता जाएगा, ठीक है, तो भाई बार बार कह रहा हूँ, जो पढ़ने वाले हो या नहीं पढ़ने वाले हो भाई, तब भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर तो देना ही है इस बार, इसीलिए पढ़ के आओगे नेक्स्ट टाइम से, पिछला एकदम तैयार करके आना,